Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I will teach you root word. Today root word is phobia. Student, जैसे कि हम बात करें आज के root word की तो आज का root word है आपका phobia. Phobia means होता है fear and horror. यानी कि अगर कोई व्यक्ति है किसी को किसी से डर लगता है तो उसके बारे में आपके कुछ root words दिए गए जिनसे आप अपनी vocab को बहुत अच्छी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. इससे पहले ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियो डाल चुका हूँ, उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हो. अगर आपको कोई भी जैसे कि आपको द हिंदू या रेड डेली वोकैब चाहिए या आपको करंट अफेयर चाहिए तो मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें मैं उसकी लिंक दे दूंगा या फिर आप पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टूडेंट्स. तो आज का फर्स्ट वर्ड है आपका एंथ्रोपोफोबिया, यानी फियर ऑफ पीपल और द कंपनी ऑफ पीपल, इट्स सोशल फोबिया. स्टूडेंट, अगर हम बात करें आज के रूट वर्ड की फर्स्ट की एंथ्रो, तो मैंने आपको बताया है कि एंथ्रो वर्ड जो यूज़ करते हैं हम, ये वर्ड यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन बींग, यानी एंथ्रो वर्ड आपका यूज़ किया जाता है एक मानव जाति के लिए या व्यक्तियों के लिए. तो जैसे कि इसमें आपका बताया कि फियर ऑफ पीपल यानी कि लोगों से डरता है, या कंपनी ऑफ पीपल यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपका जो लोगों के साथ रहने में या लोगों की संगत में रहने में उसको क्या करता है, उसे डर लगता है. यानी कि ये क्या होता है, आपको एक तरीके से सामाजिक फोबिया होता है. जैसे कि आपने समाज में बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जो क्या करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उठते ही नहीं हैं, वो क्या करते हैं अपनी एक स्पेशल लाइफ रखते हैं जिसमें उन्हें अपने आप से मतलब रहता है. तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, एंथ्रोपोफोबिया. नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका एमेटोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ अनएक्सटडी पर्डिंग एंड अ वॉमिटिंग इन पब्लिक प्लेस. इसका मीन्स होता है स्टूडेंट कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको डर लगता है, वॉमिटिंग मीन्स क्या होता है, पलटियाँ करने से, यानी कोई व्यक्ति है जिसको पब्लिक प्लेस में क्या है पलटी वगैरह करने से डर लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप एमेटोफोबिया. नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ क्लोज प्लेस. तो क्लोज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, वन, तो ऐसे क्लोज से हमने यहाँ वर्ड लिया आपका ये क्लोज CLAUS, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको क्लोज यानी कि बंद जगह से क्या लगता है स्टूडेंट, डर लगता है. जैसे किसी को अगर आप कहीं भी एक तरीके से हम कहें कि कोई पुरानी अगर कोई बिल्डिंग वगैरह अगर आप वहाँ छोड़ देते हो उसको अकेले को किसी अंधेरी जगह पर, या आप रूम वगैरह बंद कर देते हो किसी को, क्या होता है डर लगता है ऐसे व्यक्ति को, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप क्लेस्ट्रोफोबिया. नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट एग्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वर्क. तो ये जो स्टूडेंट है आपका एग्रो जो वर्ड यूज किया जाता है इसका मीन्स होता है फॉर वर्क. अगर कोई व्यक्ति है जिसको डर लगता है यानी कि निकम्मा है, बिल्कुल ठीक है, इसको काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उसको डर लगता है अगर मैं काम करूँगा तो मेरे साथ ऐसा ना हो, कहीं मुझे ये हो जाए वो हो जाए, तो इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो एग्रोफोबिया, यानी इसको काम करने से क्या होता है स्टूडेंट, डर लगता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका हिफोटो मोनस्ट्रो स्विकोलियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. ये स्टूडेंट आपका काफ़ी बड़ा वर्ड है, एग्जाम में तो नहीं आएगा शायद आपके, पर इससे क्या है आप अपनी जो वोकैब है उसके लिए तो आप इसको याद कर सकते हो. तो इसको हम याद करेंगे, फर्स्ट है आपका ये आपका हिफोटो यहाँ तक, फिर आपका मोस यहाँ से, फिर आपका मोनस्टर यहाँ तक मोनस्टर, उसके बाद आपका शिक्वेड और उसके बाद से इसका मीन्स होता है मीन्स वन एंड ए हैव लॉन्ग, यानी कि कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत ही लॉन्ग वर्ड देखे होंगे आपने, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीनिंग क्या होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा वर्ड की जो लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे जो फियर होता है कुछ व्यक्तियों को वर्ड मीनिंग याद करने में, उनको छोटी छोटी वर्ड मीनिंग तो याद हो जाती है बहुत आसानी से सेव फॉर अब, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट अगर कोई बड़ी मीनिंग होती है यानी उसकी लेंथ वर्ड क्या होते हैं अधिक होते हैं, तो उनको याद करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो भी आता है हिप्पो मोनस्टर सिकोफोडालिया फोबिया. नेक्स्ट वर्ड आपका स्टूडेंट ऑटोफोबिया यानी फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड. आपने देखा होगा इस टाइम जैसे COVID-19 के तरह ये आपका वर्ड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यूज़ किया था. आइसोलेटेड मीन्स होता है अकेला यानी किसी को नज़रबंद कर देना, यानी फियर ऑफ बीइंग अलोन और
आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि आपके COVID-19 के जो कुछ, अगर कोई व्यक्ति बीमार मिलता है यानी अगर कोई पेशेंट है, तो उसमें क्या करते हैं उसको और व्यक्तियों से क्या करा जाता है, स्टूडेंट अलग रखा जाता है, उसको अकेला रखा जाता है। तो ये ऑटो मीन्स आप सेम अपने आप खुद के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं हम ऑटो, तो फोबिया आपका डर हो गया यानी फियर ऑफ विंग, यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसको क्या है अकेले रहने में क्या लगता है स्टूडेंट, डर लगता है, यानी उसे लगता है कि मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति आप यूज़ कर सकते हो आप ऑटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका ऑफ्थोलोमी फोबिया यानी फियर ऑफ लो कॉन्फिडेंस, यानी कि आपने कई सारे व्यक्ति देखे होंगे, जैसे अगर हम किसी की बात करें, किसी को कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि चार बंदों के बीच में कोई बैठा है और आपने बोल दिया भाई कुछ बोल, तो क्या है हालांकि उसे नॉलेज है बट क्या प्रॉब्लम है कि उसको बोलने में प्रॉब्लम, तो क्या है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यानी कि उसका जो आत्मविश्वास है वो क्या है बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हो ऑफ्थेलोमोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका पेडोफोबिया यानी फियर ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम बात करें स्टूडेंट पेडोफोबिया तो जो आपका जो पेडो वर्ड यूज़ किया जाता है ये यूज़ किया जाता है आपका फॉर चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसको क्या लगता है उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा डर लगता है एक तरीके से, कि मतलब हमें बच्चों से दूर रहना है, हमें बच्चों के साथ नहीं खेलना है, मिट्टी के नहीं ऐसा है या ऐसा बच्चे उसको डर लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज करते हो पेडोफोबिया यानी उसको डर लगता है किससे, बच्चों से। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्टूडेंट एंथोफोबिया, एंथो वर्ड ये यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, ये यूज़ किया जाता है फॉर फ्लावर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फ्लावर से क्या है डर लगता है या हम कहें उसको एलर्जी है, यानी कि ना तो वो फूलों को पसंद नहीं करता बिल्कुल भी उसको। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका पैंथ्रोफोबिया यानी फियर ऑफ हेटेड और वंस मदर इन लॉ, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अपनी मदर इन लॉ क्या है अपनी जो सास है यानी अपनी वाइफ की जो मदर है उनसे उसको क्या है स्टूडेंट उसको बहुत ज़्यादा नफरत है, उसको लिए आप वर्ड यूज़ करोगे आप पैंथ्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्टूडेंट पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर ऑन फ्लेम, यानी कि फायर वर्ड जो यूज़ किया जाता है ये यूज़ किया जाता है स्टूडेंट फॉर फायर यानी आग के लिए, यानी जो हाई टेम्परेचर जो होता है फायर होती है या फ्लेम हम कई तरीके से ज्वाला जो होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फायर, और फोबिया होता है आपका डर, यानी कोई मान लीजिए कहीं भी तेज़ आग जल रही है तो उसे देखकर क्या है मन में एक डर सा आ जाता है कि भाई इससे दूर रहो, तो ऐसा जो डर होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फायरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट स्पेक्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ लुकिंग इन ए मिरर, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको डर लगता है कि भाई हमें शीशे में खुद को नहीं देखना, मिरर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट दर्पण की बात करें या हम कहें शीशा जिसमें जो व्यक्ति होता है अपने आप को खुद को देखता है, तो ये जो आपका वर्ड है स्पेक्ट्रो यानी ये स्पेक्टल्स बोलते हैं ना हम चश्मे धूप के चश्मे, तो स्पेक्टल्स से ही ये वर्ड लिया गया आपका स्पेक्ट्रो, और फोबिया मीन्स होता है स्टूडेंट आपका डर, तो यानी फियर ऑफ लुकिंग इन ए मिरर, यानी कोई व्यक्ति है जिसको अपने आप को शीशे में देखने में क्या है डर लगता है, उसको लगता है कि मैं भद्दा हूँ, यानी वो अपने आप को बहुत ही एक तरीके से हम अगलीनेस महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रकेडिकोफोबिया यानी फियर ऑफ नंबर S30, यानी कि ट्रकेडिकोफोबिया इस मीन्स होता है स्टूडेंट कि हम जो क्या होता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नंबरों पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, जैसे अगर हम बात करें कि किसी जैसे आपके नंबर होते हैं जैसे कि आपका S30 नंबर होता है, 13 नंबर को क्या है लोग जो होते हैं समाज में जो होते हैं कम्युनिटी में जो होते हैं व्यक्ति उनको क्या लगता है कि जो 13 नंबर होता है स्टूडेंट वो बहुत ही अशुभ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता ना गए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ऐसे ही आपका जो 30 नंबर जो होता है आपका 13 जो नंबर होता है वो बहुत ही क्या होता है स्टूडेंट किसी व्यक्ति को डर लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि जब हम किसी से कोई भी लेन देन करते हैं या हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो उससे पहले हम 11 रुपये 21 रुपये ऐसे इस तरीके से हम पैसे देते हैं, लेकिन अगर कोई आपको 13 रुपये दे दे तो आप क्या सोचते हो या 13 मत दे भाई या तो फालतू दे या कम दे हमको, तो स्टूडेंट ये वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर नंबर, यानी कोई व्यक्ति है जिसको नंबरों से क्या है डर लगता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आपका यूरन फोबिया यानी फियर ऑफ हेवन एंड द स्काई, यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको आसमान देखने में, ये जो हेवन वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट ये यूज किया गया फॉर हम बात करें
फॉर अंतरिक्ष के लिए एक तरीके से। स्काई तो आप जानते होंगे तो आसमान के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ व्यक्ति क्या है, इनको आसमान में मतलब फ्लाइट में बैठने या इस तरीके से डर लगता है कि भाई हमें ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, तो इस तरीके से आप ये वर्ड यूज कर सकते हो आप एरोनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका लायरोफोबिया, लायरोफोबिया यानी फियर ऑफ लाउ नोसिस एज स्मॉल चिल्ड्रन। इसमें ये जो आपका जो डर होता है यानी लायरोफोबिया यानी फियर ऑफ लाउ नोसिस, यानी क्या होता है कई बार अगर आप काम कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा से ये जो छोटे छोटे आपकी जो चिल्ड्रंस होते हैं स्मॉल जो किड्स होते हैं जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप होता है ये डर। तो बच्चों को जैसे कोई बच्चा छोटा और मान लीजिए आप थोड़ा सा तीज चिल्ला देते हो उसके बगल में तो क्या है बच्चा क्या है वो डर जाता है। तो ये फियर जो होता है स्टूडेंट्स ये आपका जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनमें आपका पाया जाता है देखने को मिलता है हम बात करें। नेक्स्ट आपका फोनोफोबिया यानी फियर ऑफ नॉइज साउंड, यानी कि ये जो फोन है ये फोनेटिक होता है स्टूडेंट जो मधुर आवाज़ होती है तो फोनोटिक से ही आपका लिया गया फोनो यानी फॉर साउंड फोबिया आपका डर होता है यानी फियर ऑफ नॉइज। ये क्या होता है कि अगर हम किसी के पास भी जा करके कुछ लोगों को क्या होता है अगर तेज साउंड होता है जैसे ट्रेन आपके पास से गुजर रही होती है तो मान लो आपको क्या है बहुत ज़्यादा चिड़ सी लगती है बहुत डर सा लगता है कान बंद कर लेते हैं तो इस तरीके से डर होता है उसे फोनोफोबिया बोल सकते हैं यानी तेज आवाज़ सुनने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। नेक्स्ट है आपका एब्लोटोफोबिया यानी फियर ऑफ वॉकिंग, एब्लोटोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वॉकिंग मींस क्या होता है स्टूडेंट, वॉक मींस होता है नहाना कि क्या होता है कुछ व्यक्तियों को नहाने से बड़ी आई एलर्जी होती है। ये अधिकतर ठंड जो सर्दी का जो मौसम होता है आप तब देख सकते हो इस तरीके से जो डर होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको नहाने से बड़ी एलर्जी होती है भाई हम नहीं नहा रहे अब सर्दी पड़ रही है जब धूप निकल आएगी तब नहीं, तो इस तरीके से जो आपका जो फियर होता है वो आपका सर्दियों देखने के लिए मिलता है यानी एब्लोटोफोबिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको क्या स्टूडेंट्स नहाने से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है या उसको नहाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका हाइड्रोफोबिया, स्टूडेंट जो आपका हाइड्रो वर्ड जो यूज़ किया जाता है ये यूज़ किया जाता है फॉर वाटर यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या वाटर मिला H2O मिला करके तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो हाइड्रो मीन्स क्या हो गया वाटर और फोबिया मीन्स डर यानी कि फियर ऑफ वाटर यानी कि किसी व्यक्ति को डर लगता है यानी गहरे पानी को देख करके यानी उसको तैरना नहीं आता है। मान लो कि किसी नदी के ब्रिज पर जाकर किसी पुल पर जाकर खड़ा होकर देख रहा है पानी बहुत तेज बह रहा है तो क्या है डर लगता है बहुत से लोगों को नदी के पास जाने से या ज़्यादा कहीं गहरा पानी हो तो इस तरीके से डर होता है ये आपको यानी हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर यानी जल की वजह से यानी कि पानी की वजह से जो डर होता है स्टूडेंट उसको आप बोल सकते हो हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट आपका क्रेमेटोफोबिया, क्रेमटो ये वर्ड यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, ये यूज़ किया गया आपका मनी के लिए यानी फियर ऑफ मनी यानी कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे आपने जिनको पैसे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको जैसे हम बात करें सन्यासी वगैरह जो होते हैं मंक वगैरह उनको क्या है पैसे वगैरह से कुछ भी लेन देन से कोई मतलब नहीं होता है तो मतलब उनको डर नहीं है लेकिन क्या उनको कोई भी उनसे लगाव नहीं है यानी हमका एक तरीके से यानी कि जो फियर ऑफ मनी यानी पैसे से जो दुश्मनी होती है या उसको डर होता है उसको आप क्रेमटोफोबिया ये एक तरीके से क्रेमटो आपने सुना होगा एक डिजिटल करेंसी है उससे लिया गया है आपका वर्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका एक्रोफोबिया, एक्रो मींस एक्रॉस यानी ये वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट आप फॉर हाइट, एक्रो वर्ड ये रूट वर्ड होता है स्टूडेंट ये यूज़ किया जाता है फॉर हाइट के लिए। अगर आपका एक्रो से मान लीजिए अगर कहीं भी एक्रोफोबिया के मान लो अगर हम मैनिया लगा दें तो एग्रोमैनिया हो जाता है यानी कि एक तरीके से पागलपन हो जाता है किसी व्यक्ति को तो ये एग्रो ये फोबिया यानी कि फियर ऑफ हाइट्स यानी कोई व्यक्ति है जिसको हाइट से क्या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आप मान लो उसे अगर आप थर्ड फ्लोर पर भी ले गए इन थर्ड स्टोरेज पर तो नीचे अगर वो देखता है तो क्या उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप यूज़ कर सकते हो एग्रोफोबिया। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका साइनोफोबिया, साइनो वर्ड यूज़ किया जाता है स्टूडेंट ये यूज़ किया जाता है आपका फॉर डॉग यानी कुत्ते के लिए और फोबिया मीन्स होता है आपका फियर यानी कि डर यानी आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि उनको क्या कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है स्टूडेंट जैसे कुत्ता भौंका नहीं और उनको भागने से डर पहले से ही साइड से कुत्ता बैठा हुआ होता है डॉग वगैरह तो वो साइड से निकल लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप उनको डर लगता है यानी कुत्ते से तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हो आप साइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका गैमोफोबिया, गैमो
गेमो वर्ड यूज किया था स्टूडेंट आपका फॉर मैरिज, यानी कि आपने कई सारे व्यक्ति देखे होंगे जिनको क्या है वो बैचलर होते हैं, बैचलर जिनकी शादी नहीं होती है, लेकिन उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला वो बोलते हैं उनको क्या है शादी से डर लगता है कि भाई हम तो अकेले रहेंगे, मतलब सिंगल लाइफ इज बेटर लाइफ। तो ऐसे जो लोगों का मानना होता है उसके लिए आप गेमोफोबिया वर्ड यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स अभी इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उनकी डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई भी रूट वर्ड से या किसी भी मैं जो आपको जो पढ़ाता हूँ, अगर मान लो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको डाउट होता है कोई भी, तो आप डायरेक्टली उनसे कमेंट सेशन में जा करके पूछ सकते हो कि सर ये वर्ड हमारी समझ में नहीं आया। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा या वहीं पर आपका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, फुल वॉच किया करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट वर्ड की ओर, एग्रोफोबिया यानी फियर ऑफ ओपन प्लेस। ओपन वर्ड से लिया गया स्टूडेंट आपका एग्रो, एग्रोफोबिया यानी एग्रीकल्चर। एग्रो की बात करें हम तो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर हम जानिए खेती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, खुले में, फील्ड्स कैसे होते हैं आपके खुले, तो एग्रीकल्चर से आप मान लीजिए अगर आपको भाई हमें क्या होता है, हमें पढ़ना होता है यानी कहीं से ही पढ़ो, कहीं से ज्ञान मिले उसको प्राप्त करना है बस, तो एग्रो वर्ड यूज़ किया गया यानी एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर कहाँ होता है, खुले में, तो एग्रो यानी खुले। और फोबिया क्या होता है, डर, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको क्या स्टूडेंट ओपन प्लेस यानी खुले स्थानों से डर लगता है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो एग्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका कैक्रोफिलोफोबिया, ये फियर ऑफ फेलियर यानी कैक्रोहा फिलोफोबिया क्यों, यानी स्टूडेंट कुछ होते हैं ये फ्यूचर से डर लगता है, कुछ व्यक्तियों को आगे सोचते हैं भाई हमारी जॉब नहीं लगेगी या हमारा हमारी लाइफ में ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, काश हम पेपर दे रहे, अगर हम फेल हो गई तो क्या हुआ। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन जो दिमाग में उठते हैं उनको डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो ये जो फेलियर जो वाला जो डर बैठा होता है ना अंदर कि हम कहीं जाएंगे, पेपर देंगे, हम पास नहीं हुए तो क्या हुआ, तो ये जो डर होता है उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो कैक्रोफोबिया। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका फोटोफोबिया। फोटो वर्ड ये यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, ये यूज़ किया जाता है फॉर लाइट। जब हम कैमरे से यानी जो हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उससे जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो क्या उससे लाइट निकलती है, और जो लाइट होती है वो किस लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम, वो फोटो खींचने के लिए यूज करते हैं, यानी फोटोफोबिया यानी फियर ऑफ लाइट, यानी कोई व्यक्ति है जिसको लाइट से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका टेक्नोलॉजी फोबिया यानी फियर ऑफ लाइट। टेक्नोलॉजी फोबिया यानी फियर ऑफ लाइट स्टूडेंट, ये मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ फियर ऑफ लाइट नहीं होगा, ये होगा आपका फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY स्टूडेंट, ये आपका टेक्नोलॉजी होगा सॉरी। तो यानी फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं जिनको जो भी जो पहले से चला आ रहा है जो सिस्टम है जो हमारी डेली लाइफ में जो होता है उन्हें वही पसंद है, उनको क्या होता है नई लाइफ से जो टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए अगर आपको कोई भी साइंस के क्षेत्र में या मान लीजिए जो तकनीकी क्षेत्र होता है उनसे जो भी खोजें वगैरह होती हैं तो उनसे क्या है लोगों को डर लगता है भाई हम तो पहले वही वाला बात है कि हमें तो चिट्ठी भेजनी है, हमको मोबाइल फ़ोन से बात नहीं करनी। तो इस तरीके से जो डर होता है यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनके इन्वेंशन से लोगों को जो डर होता है उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो आप टेक्नोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका नोमोफोबिया यानी फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट। नोमो वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट आपका फॉर नंबर, और फोबिया यूज़ किया जाता है आपका फॉर डर यानी कि फियर के लिए, यानी फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट। ये डर होता है स्टूडेंट के काश ऐसा ना हो कि हमारा जो मोबाइल नंबर है यानी जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो फ़ोन से कहीं डिलीट ना हो जाए, तो यानी फियर ऑफ आउट ऑफ मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट यानी कि मोबाइल कॉन्टैक्ट से आपका नंबर कहीं हट ना जाए, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो नोमोफोबिया। और नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका, पहले से ही ये वर्ड तो आपको मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए, वाइब्लोफोबिया। वाइब्लो मीन्स होता है बुक्स और फोबिया मीन्स होता है स्टूडेंट डर, यानी कि फियर ऑफ बुक्स, यानी कि किसी को किताबों से क्या है बहुत ज़्यादा डर लगता है भैया,
कि बस किताब मत खोल देना, हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। मतलब जैसे कि आपने देखा हो, कई बार आप क्लास जब लेते थे 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ जैसे टीचर आता था साइंस या मैथ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ क्या है, बस किताब मत खोलो, बस ये सोचते थे कि ये कब टर्न यहाँ से, ये जो क्लास का जो टर्न है ये कब फिनिश हो, कब हम यहाँ से सर जाएँ। तो इस तरीके से डर होता है ना बाय बुक, यानी फियर ऑफ बुक्स, किताबों को ना पढ़ने से ना देखने से जो डर होता है ना, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो बाइब्लोफोबिया। स्टूडेंट जो बाइब्लो वर्ड यूज़ किया है, ये आपका बुक्स के लिए यूज़ किया है, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़ें, ये वर्ड आपका आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है हेलियोफोबिया, यानी फियर ऑफ सनलाइट। अभी इससे पहले मैंने आपका वर्ड कराया था स्टूडेंट, आपका फोटोफोबिया, ये स्टूडेंट वर्ड यूज़ किया गया था फॉर लाइट के लिए आपका, ये जो नॉर्मल लाइट होती है जो बल्ब वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ किया था, और आपका जो हेलोफोबिया यूज कर जाता था ये आपका यूज़ किया था स्टूडेंट फॉर सनलाइट, यानी कि जो सूरज की जो रोशनी होती है उससे जो डर होता है उसको बोल सकते हो आप हेलियोफोबिया। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेस्कोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। ये स्टूडेंट आपने देखा होगा, इसका मीन्स हो गया कि व्यक्ति को जब लगता है कि वो बुढ़ा होता जा रहा है, यानी कि उसकी जो एज है वो वृद्धावस्था की तरफ जा रही है, जैसे कि आपने देखा हो कई सारे व्यक्तियों को, जैसे वो मिरर में क्या अपने आपको देखते और बोलते हैं भाई मेरे तो बाल हैं क्या है वो हेयर है वो सफ़ेद हो गए हैं, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो इस तरीके से जो डर होता है ना कि मतलब हमें सिर्फ हमसे जवान रहना, हमको बूढ़ा नहीं होना, अगर बूढ़े हो गए तो पता नहीं क्या होता, तो जो बूढ़े होने से जो डर होता है उसके लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हो गैरेस्कोफोबिया। गैरेस जो यूज किया गया है, ये स्टूडेंट आपका जेरंटो भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर जो ओल्ड पीपल होते हैं, यानी जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए आप जेरंटो वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका टैंटोफोबिया, यानी फियर ऑफ डेथ, सॉरी थैंडोफोबिया, थैंडोफोबिया यानी फियर ऑफ डेथ, यानी कि किसी व्यक्ति को डर लगता है कि भैया अब हम मरने वाले हैं, हमें मरना नहीं है, हमें हमेशा जीना है, तो ये जो डर होता है ना इंसान के अंदर कि हम मर जाएंगे, तो इस तरीके से डर होता है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो थैंडोफोबिया। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड आपका गैनोफोबिया, चेनोफोबिया यानी फियर ऑफ फॉरेन और स्ट्रेंजर्स, यानी कि आपने कई सारे व्यक्ति देखे होंगे, अगर वो किसी भी हम बात करें अगर किसी भी वार्ड आउट स्टैंडिंग यानी फॉरनर को, यानी विदेशी व्यक्तियों को, और जो भी स्ट्रेंजर होते हैं यानी कि जो अपरिचित व्यक्ति होते हैं उनसे डर लगता है, यानी कि मिलने से, जुलने से, उनसे बातचीत करने से, या उनके साथ हमें कोई भी कम्युनिकेशन या रहने में जो भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप वर्ड यूज कर सकते हो जेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका हाइप्सोफोबिया, यानी फियर ऑफ हाई प्लेस यूज फॉर माउंटेन, हाइप्सो, हाइप्सोफोबिया यानी फियर ऑफ हाई प्लेस, यानी स्टूडेंट ये जो स्पेशली यूज़ किया था, ये यूज़ किया था फॉर माउंटेन, यानी कि जब अगर हम किसी भी जो पर्वत वगैरह होते हैं आपके, जो माउंटेन रेंज होती हैं उन पे अगर हम कहीं भी जाते हैं, तो उनसे जो हमें डर लगता है कि भाई हम अगर माउंट एवरेस्ट पर चले गए, या मान लो अगर कोई भी नीचा भी अगर कोई हाईलाइट जो प्लेस होते हैं, अगर कोई पर्वत है छोटा मोटा, अगर आप वहाँ भी जाते हैं, तो उन ऐसी जगह पर जाने से जो व्यक्ति डरते हैं ना, उनके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो हाइप्सोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका कैनोफोबिया, कैनोफोबिया यानी फियर ऑफ एम्प्टी प्लेस। इससे पहले मैंने भी बताया था आपका, एक एग्रोफोबिया था यानी फियर ऑफ ओपन प्लेस, एक था क्लेस्ट्रोफोबिया यानी फियर ऑफ क्लोज प्लेस, और ये स्टूडेंट आपका कैनोफोबिया यानी फियर ऑफ एम्प्टी प्लेस, यानी कि खाली जगह में रहने से, या वहाँ पर जो भी अपनी लाइफ स्पेंड करनी होती है, तो ऐसी जगह पर आप जो लाइफ स्पेंड करता, यानी पटेल लाइफ से क्या है एम्प्टी प्लेस जो होता है, सॉरी, वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए आप ये कैनोफोबिया वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका ऑनोफोबिया, ऑनोफोबिया यानी फियर ऑफ हिटर्ड वाइन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एल्कोहल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको क्या है बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उसके सामने अगर किसी ने अपने हाथ में, मान लीजिए कि अगर कोई भी एल्कोहल पदार्थ अगर लेता है जैसे वाइन वगैरह जो होती है, तो उससे क्या उसको बहुत ज़्यादा नफरत है, तो ऐसे के लिए हम जो आपका रूट वर्ड होता है वो होता है आपका ऑनोफोबिया यानी फियर ऑफ वाइन, जो एल्कोहल पदार्थों से क्या है स्टूडेंट्स जो डरता है। नेक्स्ट आपका फैंटोफोबिया यानी फियर ऑफ एवरीथिंग,
यानी कि उसको सभी चीज़ों से डर लग, एवरीथिंग मीन्स क्या होता है, सब कुछ जो कुछ भी है उसे सबसे डर लगता है, यानी पेंटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका साइफोबिया, साइफोबिया फियर ऑफ शैडो, यानी कि आपने कई सारे व्यक्ति, और ये तो जनरली हर किसी की लाइफ में हो ही जाता है, जब आपने कई बार देखा होगा कहीं आप कहीं से आ रहे हो और आपके दिमाग में कोई, मान लीजिए कोई ख्याल चल रहा होता है, तो आपको लगता है जैसे कोई पीछे आ रहा है हमारी छाँव को दबाते हुए, और कई बार तो हम डर भी जाते हैं, पीछे देखते हैं अचानक मुड़ करके, तो क्या है स्टूडेंट जो हमारी छाया होती है कई बार हम उससे डर जाते हैं, तो इस तरीके का जो डर होता है ना मन में, उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हो साइफोबिया, यानी फियर ऑफ छाँव, अपनी छाँव से, जिसको व्यक्ति से डर लगता है। मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और किसी पेड़ की छाँव या किसी कोई मान लीजिए खम्भा वगैरह खड़ा है, तो वहाँ आप क्या बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो इस तरीके से डर हुआ उसको बोलते हो आप साइफोबिया। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका कैंड फोबिया, यानी फियर ऑफ चांस और एनी थिंग न्यू, यानी कि ओल्ड मैन। कैंड फोबिया मीन्स होता है स्टूडेंट, ये आपका जो डर होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, यानी कि जो मान लीजिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, हमसे जो पहले की जो ओल्ड जनरेशन होती है, उसको क्या होता है स्टूडेंट इस तरीके से उनके मन में डर होता है कि मान लीजिए कहीं ऐसा ना भाई ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा, हम कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनकी जो कुछ भी जो चेंजिंग होती है, यानी उनको क्या होता है चेंज होने से, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग लोग हैं और उनको क्या है पैदल चलते थे, अब मान लीजिए इतने सारे साधन हो गए हैं, मान लीजिए इतनी टेक्नोलॉजी आपकी हाई हो गई है, तो उनको क्या है ये डर लगता है कि भाई ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, जो है हमारा पहले से चला रहा है वही, जो हमने सोसाइटी में नियम बनाए हैं वही चलने चाहिए, तो इस तरीके से जो फियर होता है ये आपका जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें होता है, यानी कि जो ओल्ड एज मैन होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके स्टूडेंट फैंगोफोबिया, फैंगोफोबिया यानी फियर ऑफ डे नाइट, डे लाइट। इससे पहले स्टूडेंट हमने एक वर्ड किया था आपका फोटोलाइट, उसमें बताया था मैंने, यानी फियर ऑफ लाइट, उससे बात बताया था मैंने आपको हेलियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ सनलाइट, और हम बात कर रहे हैं फैंगोफोबिया यानी फियर ऑफ डे लाइट। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको स्टूडेंट दिन में दिन का जो उजाला होता है उससे क्या उनको डर लगता है, मतलब उनको ये आप यूज कर सकते हो, जैसे कि जो पिशाच वगैरह जो होते हैं उनको क्या होता है वो नाइट में ही आप घर से निकल सकते हो, उनको दिन में जो सूरज की रोशनी होती है उससे क्या उन लोगों को डर लगता है, तो आप ये बोल सकते हो फैंगोफोबिया। नेक्स्ट आपका साइटोफोबिया यानी फियर ऑफ फूड, साइटो फियर ऑफ फूड मीन्स हो गया स्टूडेंट कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको खाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कि खाना सामने आया नहीं बोले भैया हम नहीं खा रहे भाई ले जाओ अपना खाना, तो ये जो आपका जो डर होता है साइटोफोबिया बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका टेलास्कोफोबिया यानी फियर ऑफ सी, फियर ऑफ सी मीन्स हो गया कि समुद्र वगैरह जो होते हैं आपके, जो उनसे जो मन में डर होता है, उनकी ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं, बड़े बड़े उसमें समुद्री जीव रहते हैं, तो ऐसे जो होता है टेलास्कोफोबिया यानी फियर ऑफ सी, समुद्र में डर। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट जेलोफोबिया, फियर ऑफ जेलसी, जेलसी जेलसी मीन्स क्या होता है घृणा किसी दूसरे की तरक्की को देख करके, मान लीजिए कि अगर पड़ोसी का बच्चा मान लो जॉब लग गया गवर्नमेंट जॉब, तो पड़ोसी क्या उसे जलना स्टार्ट कर, मान लीजिए कोई अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर रहा है तो क्या है उससे लोग जो जेलसी करते हैं ना उनके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप जेलोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया यानी फियर ऑफ रेन, अंबर बोलते हैं ना जो आपका, जो हम हिंदी में जो पर्यावरण शब्द पढ़ते हैं आकाश के अंबर, तो अंबर ये वही लिया गया, और अंबर से क्या होता है स्टूडेंट आसमान से आपकी बारिश होती है, यानी कि एम्ब्रोफोबिया यानी फियर ऑफ रेन, यानी कि बारिश से जिसको डर लगता है उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो आप ओम्ब्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट क्लेप्टोफोबिया यानी फियर ऑफ अबाउट थीव्स, क्लेप्टो वर्ड जो यूज़ किया था ये स्टूडेंट ये यूज़ किया जाता है चोर, जो व्यक्ति चोर होते हैं ना उनके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो आप ये क्लेप्टोफोबिया यानी फियर ऑफ अबाउट थीव्स, जो चोर व्यक्ति होते हैं उनको, मान लीजिए आप कहीं बस वगैरह से या कहीं पब्लिक प्लेस से में कहीं और जा रहे होते हैं तो क्या होता है लिखा होता है पॉकेट मार वगैरह व्यक्ति होते हैं, इस तरीके से डर लगा होता है क्योंकि ऐसा ना हो कि चेन स्नैचिंग वाला कोई आपकी चेन ले जाए या आपको लूट ले, तो जो क्लेप्टोफोबिया इस तरीके से डर लगा रहता है ना चोरों की वजह से, तो उसको आप बोल सकते हो क्लेप्टोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपका वैशोफोबिया यानी फियर ऑफ वॉकिंग,
कुछ व्यक्तियों क्या होता है, बस एक जगह उनको रहना पसंद रहता है, उनको घूमने फिरने से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, अरे हम घूम जाएंगे तो कहीं पता नहीं हमारी जो ताकत कहीं एनर्जी चली ना जाए, कहीं पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो ये जो इस तरीके से दिमाग में जो भ्रम बना होता है, यानी उनको घूमने को, यानी कि उनको घूमने से जो डर लगता है स्टूडेंट, उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, वेसीफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्टूडेंट डर्मेटोफोबिया, यानी डर्मेटोफोबिया यानी फियर अबाउट स्किन। स्टूडेंट आपका जो ये आपका जो डर्मेटो यूज किया गया है, ये यूज किया था फॉर स्किन, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव होता है उसकी जो स्किन होती है, उसका जो उसकी वजह से डर लगा रहता है, कहीं भाई मान लीजिए कहीं जल जाती है, या मान लीजिए कुछ भी मुंह पे इस तरीके से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उससे क्या इंसान के अंदर डर लगा रहता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो डर्मेटोफोबिया। अगर इसके पीछे अगर स्टूडेंट अगर हम लॉजी लगाते हैं डर्मेटोलॉजी, तो ये हो जाता है स्किन की जो हम अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ाई जो करते हैं उससे बीमारी संबंधित, तो उसके लिए आप ये डर्मेटोलॉजी, और अगर आपको डर लगता है मान लीजिए तो डर्मेटोफोबिया, यानी अबाउट स्किन, नहीं त्वचा के बारे में आपको जो डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आपका कोकोफोबिया, यानी कोको वर्ड होता है अग्लीनेस। स्टूडेंट ये आपका जो वर्ड यूज़ किया था कैको, कैको यूज़ किया था फॉर अग्लीनेस, यानी कि भद्दता के लिए, मतलब कोई अगर आप मान लीजिए कोई भी सुंदर नहीं है तो कैकोफोबिया यानी फियर अबाउट, अगर कोई व्यक्ति अगली है मान लीजिए उसकी शक्ल ठीक ठाक नहीं है, मतलब तो इस तरीके से आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो कैकोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपका फैथोफोबिया यानी फियर ऑफ डिसीज, यानी कि किसी व्यक्ति को बीमारियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे कि आपने अगर हम प्रेजेंट में देखें तो इस टाइम हम COVID-19 से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हर किसी व्यक्ति के अंदर इतना डर पैदा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो हमको कोरोना हो जाए कोरोना, तो इस तरीके के से जो स्टूडेंट डर है ना आपका, इससे और बेटर आपको कहीं एग्जाम्पल मिल नहीं सकता, पैथोफोबिया जो वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, यानी कि फियर ऑफ अबाउट डिसीज एनी स्पेशल डिसीज, मान लीजिए जैसे कोरोना, तो कोरोना की वजह से क्या आपका ये हम पैथोफोबिया से इस टाइम क्या है हम डरे हुए हैं, तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो पैथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट गायनोफोबिया, गायनो वर्ड यूज़ किया था स्टूडेंट, ये यूज़ किया था फॉर लेडीज़, यानी कि वूमेन के लिए, यानी हम औरतों के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं गायनो, यानी कि फीमेल के लिए, यानी फियर अबाउट वूमेन, यानी किसी व्यक्ति को अगर औरतों से डर लगता है भैया, कहीं ऐसा ना हो हम लेडीज़ के पास जाएंगे हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो इस तरीके से दिमाग में जो जो आपके दिमाग में जो रॉन्ग ट्रेडिशन या कुछ भी मान लीजिए थिंकिंग बनी हुई है जो लेडीज़ों के प्रति, तो उनको डर लगता है ऐसे व्यक्तियों, तो उसका आप वर्ड यूज करते हो गायनोफोबिया। और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड स्टूडेंट आपका ये प्लेटोफोबिया, प्लेटोफोबिया होता है स्टूडेंट वेल्थ, प्लेटो वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट फॉर वेल्थ, यानी पैसा या धन के लिए यूज़ करते हैं, प्लेटोक्रेसी मैंने आपको वर्ड कराया था, यानी कि जिसमें जो आपके समाज में जो ज़्यादा पैसे वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो धनकर व्यक्ति होते हैं, उनकी जो सरकार होती है उसको हम प्लेटोक्रेसी बोलते हैं, ऐसे ही हमने फ्लैटो फोबिया यानी फियर ऑफ, कोई व्यक्ति है जिसको पैसे से क्या है स्टूडेंट, उसको डर लगता है शान से शौकत से, यानी इस तरीके से जो डर होता है उसको हम प्लेटोफोबिया कहते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को रखते हैं हम यहीं पर, और प्लीज़ वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी प्लीज़ किया करो, जब आप वीडियो को देखते हो तो कमेंट भी कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.